वेलकम बाय क्यूज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं लीलाधर मेहता आपके लिए राजस्थान जीके की कला से, कला और संस्कृति से लगातार लेके आ रहे हैं। आप आराम से घर पे बैठें, कूलर चलाएं और मस्ती से कॉपी पेन लेके बैठें, अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो अपन बिना बात करें नॉन स्टॉप चलते हैं। बिल्कुल, तो आप तैयार हो जाइए और अपन चालू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। देखो, मैं आपको बता दूं, ये हमारी आज तीसरी क्लास है राजस्थान के लोक देवता पे। मैं लास्ट के 10 मिनट में, जो इससे पहले मैंने जो दो क्लासें फटाई है उसकी मैं आपको फटाफट रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, सारी चीज़ें मैं आपको 10 मिनट में क्लियर करके जाऊंगा इसके बाद में। ठीक है, आज हमारे एक लोक देवता बच रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद में अपन फटाफट रिवीजन करेंगे। चलो चालू करते हैं हम। सबसे पहले चलो देव नारायण जी, आप भी बढ़िया टॉपिक डाल लें। देव नारायण जी, ठीक है, आपने खूब नाम सुना होगा। जब देव नारायण जी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गुजर भाई आ जाते हैं, गुजरों के आराध्य देवता, गुजरों के, आपने भी सुना होगा देव नारायण दूध डेयरी का नाम इस प्रकार से सुना होगा। ठीक है, तो आज अपन इनकी विस्तार से पूरी बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, हम यहाँ से जानते हैं, एक शासक था व्यक्ति बाघ सिंह। ठीक है, कौन था? बाघ सिंह। इस बाघ सिंह के कितने पुत्र थे? 24 पुत्र थे। ठीक है, इन 24 पुत्रों को क्या कहा जाता है? बगड़ावत, बगड़ावत वंश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है देव नारायण जी का संबंध बगड़ावत वंश से है, बगड़ावत वंश से। बाघ सिंह के कितने पुत्र हुए? 24 पुत्र हुए। वह आगे चलकर क्या कहलाए? बगड़ावत वंश कहलाए। इन्हीं बगड़ावत वंश में आगे देव नारायण जी के माता पिता का संबंध आता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज, और माता का नाम था सेडू, सेडू बाई, और आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा साडू। ठीक है, वो साडू मत समझना, ये दूसरा साडू है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी, बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, उन 24 पुत्रों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? बगड़ावत कहा गया। इसी बगड़ावत में देव नारायण जी के पिता सवाई भोज का जन्म हुआ और इनकी माता का नाम था सेडू बाई या साडू। ठीक है, तो आपके ये चीज समझ में आई होगी, है ना। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, पीपल दे। ठीक है, देखो सबसे पहले इनका जन्म हुआ, ये गुजरों का आराध्य देवता है, बहुत ही एक गुजर ऐसी जाति है जो सुसंगठित, सुसंस्कृत तरीके से और एक नियोजित तरीके से एकता बनाकर रहती है। इनकी सटक गई तो समझो फिर सबकी सटक गई, है ना। गुजरों से बहुत ध्यान रखना पड़ता, एकता होती है इन लोगों में, है ना। और ये दूध का व्यापार अधिकांशतः ज़्यादा करते हैं, आजकल तो एजुकेशन क्षेत्र में भी खूब फड़ाई कर रहे हैं, फिर भी अपन इस चीज़ को याद रखें। तो पत्नी का नाम क्या हो गया? पीपल दे। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू बाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे इनका जन्म, जन्म हुआ था इनका विक्रम संवत, विक्रम संवत 968 में, है ना। कहाँ हुआ था ये? माला सेरी। ये माला सेरी कहाँ पर पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में। ये आपको जन्म याद रखना पड़ेगा, है ना। और आप इसके पास में याद रखें आसिंध, है ना। कभी कभी इनका जन्म, कभी कभी नहीं, इनका जन्म कहाँ हुआ था वैसे गांव पूछे तो मालासेरी, आसिंध के निकट मालासेरी में, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। माता पिता का नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में इनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में क्या होता है? शादी होने के बाद में बच्चे पैदा होते हैं। इनके दो बच्चे थे, एक तो था, एक तो लड़का था भीला, एक थी भीली,
भीला और भीली, ठीक है ना। तो और एक प्रश्न बनता है, देव नारायण जी का प्रथम पुजारी कौन था? भीला। नोट कर लेना, देव नारायण जी का प्रथम पुजारी कौन था? उनका पुत्र भीला, ठीक है। तो ये आपको सामान्य जानकारी याद रखनी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अपन, चलो चालू करते हैं। देखो इनके जन्म परिचय हो गया, माता पिता का नाम हो गया, जन्म इनका हो गया, इनकी पत्नी का नाम हो गया, इनके बच्चों का नाम हो गया। और देव नारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? देव नारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपको ये बात अच्छे से, विष्णु के अवतार कौन थे? देव नारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनका जन्म, वैसे आप महीना याद रखो तो माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था, माघ शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इनका जो निधन, ये निधन, ये क्या हुआ? जन्म, जन्म याद रखना है। इनका निधन होता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, महिषात, नाम सुना होगा आपने महिषात का, ठीक है। ये वाली वही है, भाद्रपद शुक्ल, बस सिर्फ एक हटाना है। माघ शुक्ल को तो इनका जन्म हुआ, भाद्रपद शुक्ल में इनकी मृत्यु हो गई। महीना अलग है पर इनका संबंध किससे? सातर से, ठीक है। आप जाते भी होंगे देवताओं के महिषात ढोकने भी जाते होंगे, राजस्थान में ये बहुत फेमस भी है, ठीक है। तो आप इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले देव नारायण जी, देव नारायण जी गायों का अधिक पालन करते थे, गायों का अधिक पालन करते थे, ठीक है। इनके पास में कितनी गायें थी? 98,000 गायें थी। और ग्वाले कितने थे? ग्वाले कितने थे इनके पास में? 1444। आप चाहो तो ये भी याद रखना, क्योंकि पेपर में देखो प्रश्न कहाँ से आता है पता भी नहीं चलता, इसलिए अपन इस चीज़ों को भी ध्यान रखें, है ना। इनके पास में गायें कितनी थी? 98,000। ग्वाले कितने थे? 1444 थे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। देखो देव नारायण जी की फड़, अपन अब किसकी बात कर रहे हैं? देव नारायण जी की फड़, ठीक है। पहला स्टार लगा के, यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। पहली बात ही याद रखना, इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आप ये भी याद रखें। आगे गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। ये तीन प्रश्न लिखा दिए, और इनकी जो फड़ है उसमें 335 गीत है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को। तो ये मोटे मोटे प्रश्न थे फड़ से संबंधित, देव नारायण जी की फड़, ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, गुज्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, और इस फड़ में कितने गीत है? 935 गीत है, ठीक है। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, इस चीज को भी आप याद रखें। और देव नारायण जी का सबसे प्रसिद्ध स्थान,
ठीक है, देव नारायण जी का सबसे प्रसिद्ध स्थान, देव नारायण जी का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आसिंद मतलब भीलवाड़ा। यहां पर आसिंद भीलवाड़ा में प्रसिद्ध मेला लगता है, वह कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, माई सात बड़ी सात पे इनका मेला लगता है। तो आप इस चीज को भी याद रखें, ठीक है ना, जन्म परिचय याद रखें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देव नारायण जी ने एक शासक था भीनाए, ये भीनाए, इस ये भीनाए ने क्या किया था, देव नारायण जी की गायों को लेके भाग गया था, तो इस भीनाए को पराजित किया था। तो आप इस चीज का भी विस्तार से अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, अपन और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, ये जब सुबह सुबह उठते थे तो सरे माता गाय के दर्शन किया करते थे, ठीक है ना, याद रह जाएगा, सरे माता गाय के दर्शन करते थे। और 1444 इनके गवाले थे, गीत वगैरह मैंने आपको बताई दिए, ठीक है। इसके बाद में अपन और बात करते हैं, यहाँ पर देव नारायण जी की जन्म वगैरह, ये देखो इनके बारे में मोटे मोटे प्रश्न कहाँ से बनते हैं, है ना। एक तो इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कौन से महीने में मृत्यु हुई, कौन से महीने में इनका मेला लगता है, और माता पिता का नाम भी हो गया। फड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फड़ में कितने गीत थे, 335 गीत थे, सबसे लंबी फड़ इनकी फड़ को सबसे लंबी फड़ माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रात्रि जागरण के समय इस फड़ को बांचा जाता है, है ना, एक खुले मंच पर फड़ का आयोजन किया जाता है रात्रि के समय, है ना। तो ये अपन ने किसके बारे में जाना, देव नारायण जी के बारे में, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और उन सारी चीजों को अपन बिल्कुल बराबर बराबर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप भी उसी हिसाब से पढ़ते रहें, चलो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में है रामदेव जी, आप यहां से ये सबसे काम की चीज बता रहा हूं मैं, ये रामदेव जी हो गए, बाबू जी हो गए, गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए, देव नारायण जी हो गए, हड़बू जी हो गए, मेहा जी, इन दोनों के बारे में भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 लोक देवताओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से, और ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है मेरे हिसाब से, अगर आप मानो तो इस प्रकार से ये डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, पेज में अच्छे से बार बार उसको दोहराना। आपको एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पता भी नहीं चलता किसकी लाडी कौन सी है, है ना, तो और किसकी घोड़ी कौन सी, किसका जन्म कहाँ पर हुआ। तो मैं आपको एक सारणी बनाकर सारी चीजों को अब बताने जा रहा हूं, जो मैंने पिछले 3 दिन तक जो पढ़ाया उसको मोटा मोटा, ठीक है। तो आप इन चीजों का बार बार अभ्यास करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर डाला एक टॉपिक जन्म, ठीक, क्या डाला, जन्म। अब इनका जन्म कहां पर हुआ, तो सबसे पहले देव नारायण रामदेव जी का जन्म होता है उंडकास मेर, कहां पर पड़ता है ये, बाड़मेर में, ठीक है। बाबूजी का जन्म, बाबूजी का जन्म होता है अपना, चलो पहले यहां से देख लेते हैं, गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा, ये ददरेवा कहां पर पड़ता है, चूरू में, कोल्लू,
कोलुमंड जोधपुर में, ठीक है। तेजाजी खडनाल, खडनाल जोधपुर में नहीं, सॉरी नागौर में। खडनाल कहां पर है? नागौर में। देवनारायण जी मालासेरी, भीलवाड़ा। हड़बू जी बेंगटी, जोधपुर में। बापनी जोधपुर में, ठीक है। चलो तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आपके यहां तक बढ़िया समझ में आई होगी। एक बार अच्छी सी चेक कर लें, रामदेव जी का जन्म कहां पर होता है? उंडकास मेर में। बाबू जी का जन्म कहां होता है? कोलुमंड में। गोगा जी का जन्म कहां होता है? ददरेवा में। तेजा जी का जन्म कहां होता है? खडनाल में। देवनारायण जी का जन्म कहां होता है? मालासेरी भीलवाड़ा में। हड़बू जी का जन्म कहां होता है? बेंगटी में। मेहा जी का जन्म कहां होता है? बापनी में। इन दोनों से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, ये दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं जन्म से संबंधित, इनके फेमस स्थान, ठीक है। चलो अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं। ये तो जन्म का हो गया है ना। अब इसके बाद में अपन पत्नियां, घर वाले डालू क्या? पत्नियां डाल देता हूं, नहीं तो आपको कहे पत्नियां। ठीक है, पत्नियां बीबी है ना। चलो किसकी बीबी कौन सी थी ये देखते हैं। रामदेव जी की बीबी का नाम था नेतल दे है ना, रानी नेतल दे, रानी नेतल दे, क्योंकि देखो एक जैसे नाम में बहुत दिक्कत आती है ना। बाबू जी की पत्नी का नाम था भाई सबसे पहले सुप्यार दे, सुप्यार दे या फिर फूलन दे। वो फूलन दे वाली फिल्म वाली मत समझ लेना तुम, फूलन दे वाली फिल्म फूल और कांटे देख ली वो है ना। हाँ तो बाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे या फिर फूलन दे। गोगा जी की पत्नी का नाम था, गोगा जी बगीचे में गए थे मिलने अपनी पत्नी से, तो अपन इसको केमल दे, केमल दे। तेजा जी का पत्नी था, तेजा जी की पत्नी का नाम था नेतल दे हो गया, सुप्यार दे हो गया, केमल दे हो गया, पेमल दे, पेमल दे, ठीक है। इनकी घरवालियों का नाम एक जैसा है, बहुत दिक्कत आ जाती है ना। देवनारायण जी की पत्नी का नाम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, पीपल दे, पीपल दे। और इनकी पत्नियां नहीं है ना, ये आपको अच्छे से याद करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन ने ये सबसे सदाबहार, जैसे वो सदाबहार गाने हैं ना जो कभी पुराने नहीं होते हैं, ये प्रश्न भी कभी भी पुराने नहीं होते हैं। तो इन सदाबहार गानों को याद रखना, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएंगे है ना। तो आप भी आराम से इनको याद रखें। चलो इसके बाद में अपन अब आगे देखते हैं है ना। अगले पे फिर बना लो उसी प्रकार से, रामदेव जी, रामदेव जी, घोड़ा या घोड़ी, घोड़ा या घोड़ी है ना। रामदेव जी, रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला है ना। और इसके बाद में बाबू जी के घोड़े का नाम था
बाबूजी, केसर कालमी, केसर कालमी है ना। और तेजा जी, तेजा जी की घोड़ी का नाम था तेली लीलन। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलागर। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज भी अच्छे से याद रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से आप उनकी पत्नियों का नाम, उनकी घोड़ी का नाम और उनका जन्म स्थान, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो अपन और मोटी मोटी बात कर लेते हैं, है ना। देखो रामदेव जी, मैं वैसे ही आपको शॉर्ट प्रश्न बता दूं जो एनसीईआरटी बुकों में लिखे हुए हैं, रामदेव जी, ठीक है। एक ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, मैं पहले वो बता देता हूं। चलो अवतार, क्या डाल लो, अवतार। अवतार में ट्रिक है एक देवी, कसी, पाल, राक, ये रट लेना। अवतार में ट्रिक कौन सी लगाओगे, देवी, कसी, पाल, राक, 10-20 बार बोलो, 50 बार बोलो, हजारों बार बोलो, तभी तो पैसे गिनोगे ना नौकरी लगने के बाद में, है ना। चलो तो बार बार दोहराते रहो, है ना, इतनी आसानी से पैसे थोड़ी मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नौकरी लग जाओगे तो फिर खूब मजा भी आएगा, दो पैसे इधर उधर रोड पे बैठ जाना, कोई गाड़ी आए रुका लो, लाओ पैसे, ठीक है। देव नारायण जी किसके अवतार है, देव नारायण जी किसके अवतार है भाई, ये विष्णु के अवतार है, ठीक है। ये हो गया, अब इसको उठाते हैं। कल्ला, आपने कल्ला का नाम सुना, कल्ला जी, ये कल्ला किसके अवतार है, कसी शेषनाग के। पाल, बाबूजी, ये बाबूजी किसके अवतार है, ये हमारे लक्ष्मण जी के, बहुत गुस्सा आता है। रामदेव जी, रामदेव जी किसकी अवतार है, कृष्ण भगवान के अवतार है। अब देखो ये भी कितना आसान हो गया, सभी के अवतार भी याद रखो, सबकी घरवालियों के नाम भी याद रखो और घरवाली के साथ साथ उनका जन्म परिचय भी याद रखो, ठीक है। ये सीधी सीधी सी बात है ना, तो आप इनको भी आराम से अच्छे से याद रखो, है ना। अब मैं आपको कुछ मेले बता देता हूँ। गोगा जी का मेला, गोगाजी का मेला, आपको महीना रटना पड़ेगा भाई, ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं मैं आपको आज चीजें, ठीक है। ऐसे नहीं 10-10 घंटे का वीडियो पढ़ा दो, कहानियां सुना रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐसे मजा नहीं लेते हैं भाई। शॉर्ट तरीके से पढ़ो, विद्वान बन जाओगे, जॉब लग जाएगी, ठीक है। इधर उधर पैसे मांगने का मजा आ जाएगा, है ना। तो गोगा जी का मेला कहाँ लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहाँ पर लगता है, खूब सुना होगा आपने, गोगा मेडी, गोगा मेडी, गोगा मेडी कहाँ पर, ये हनुमानगढ़ में, है ना, ये हनुमानगढ़, ये भी आप याद रखना, ठीक है। रामदेव जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दसवीं तक, तभी तो बोलते ना वो तेया दसवीं बोलते, हालांकि उसको भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल दसवीं तक इनका रामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। आप इस प्रकार से गोगा जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में याद रखें। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था देव नारायण जी का मेला कब लगता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, भाद्रपद शुक्ल
और सप्तमी को, सप्तमी याद रखना भाई, माई साता से याद रह जाएगा आपको देवनारायण जी के बारे में। साता देख लो पहले सप्तमी, फिर इसके बाद में महीना देख लो भादवा का। और पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष में, घोगा जी का कृष्ण पक्ष में आता है, ठीक है ना। पाबू जी को आप विस्तार से बढ़िया याद रखना भाई, पाबू जी का जो त्योहार आता है, मेला आता है, वो कब, चैत्र महीने में। अधिकांश लोक देवता जितने भी ये सबके मेले किस में आते हैं, भाद्रपद के महीने में, पर पाबू जी का एकमात्र चैत्र में आता है। एक तो पाबू जी का आता है, एक मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी ये तिलवाड़ा बाड़मेर वाले हैं भाई, ठीक है ना, अपन इनको आगे भी पढ़ेंगे। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी और पाबू जी कौन से महीने में आते हैं, चैत्र महीने में आते हैं। बाकी जितने भी लोक देवता है वो सारे के सारे भाद्रपद के महीने में आते हैं, तो आप ये भी याद रखना। चलो आगे अपन एक और बात कर लेते हैं। देखो रामदेव जी, मैं सबको कंबाइंड में पढ़ा रहा हूं, रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन माने जाते हैं, मल्लीनाथ के समकालीन, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले पढ़ा दी, समकालीन माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। और अपने यहां पर अगर अपन बात करते हैं घोगा जी के गुरु का नाम भी आप याद रखना, गोरखनाथ, और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, ठीक है। ये बालीनाथ हो गया, ये गोरखनाथ हो गया, आप भी इस प्रकार से इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज सारी जानकारी बता दी है, पत्नियों का नाम, जन्म परिचय, उनके माता पिता का नाम, ठीक है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, मेला त्यौहार वगैरह सब कुछ बता दिए। और आप इन चीज़ों को बार बार दोहराएं और बार बार पढ़ें और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे कल और एक नए टॉपिक के साथ। आप इसी प्रकार से अपना अध्ययन कार्य जारी रखें, कूलर में बैठें, ठंडी ठंडी हवा खाएं, ठीक है। चलो धन्यवाद, गुड बाय।